Everybody, good day. Class 6, subject Maths, chapter 5, exercise 5.3. इस chapter में आपको angles के बारे में बताया गया है कि angles क्या है. Summary में भी explain किया था कि what is the angle. तो acute angle, obtuse angle, reflex angle, right angles, straight angle. उस टाइम एक्यूट एंगल का मैं थोड़ा समरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं. ओब्टूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, 90 डिग्री से तो बड़े 180 डिग्री से छोटे, इट इज कॉल्ड द ओब्टूज एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं. तो एक्यूट एंगल इस एक्यूट एंगल की शेप यहाँ से देखें, हमेशा ये राइट एंगल होता है, बिल्कुल ये और ये सीधी लाइन, ये राइट एंगल है. अगर इससे यू झुकी है तो एक्यूट एंगल, और इससे यू ऊपर की तरफ आए 90 डिग्री से तो वो ऑब्ट्यूज एंगल, और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एंगल, और कंप्लीट रिलेशन का कंप्लीट एंगल. तो इट मींस जो एक्यूट एंगल है वो 90 डिग्री से लेस, यानी ये रिवोल्यूशन है 1/4 रिवोल्यूशन है, ये पूरा 1/4 और 1/4 मिलके हाफ रिवोल्यूशन है, यानी स्ट्रेट एंगल हाफ रिवोल्यूशन में आता है, और इससे आगे मोर देन हाफ में आता है. इसी बेस पे आपको ये मैथ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन करना है. तो देखो स्ट्रेट एंगल तो इनमें से किससे मैच करेगा, हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, ये सी से मैच करेगा. सेकंड राइट एंगल बिल्कुल इस तरह होता है, यहां जो बनाइए राइट एंगल तो 1/4 रिवोल्यूशन है, तो 1/4 किस पे, 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, ये राइट एंगल मैच कर देगा. एक्यूट एंगल देखो ये जैसे मान लो इसको आप मान लो इस तरह भी जो यूं झुकता है ये 1/4 से कम होगा वो एक्यूट एंगल होता है. तो लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन तो ये एक्यूट एंगल. ऑब्टूज एंगल जब जैसे ये सिर्फ मैं प्रैक्टिकल वे भी बता रहा हूं, ये राइट एंगल इस तरफ तो एक्यूट होता है, बट इस तरफ अगर जाए तो वो ऑब्टूज एंगल होता है, तो मोर देन 1/4. बट ये स्ट्रेट एंगल होता है सीधा, लेस देन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, तो ये मैच करेगा बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ रिवोल्यूशन. अब रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बिल्कुल हाफ जैसे मान ये स्ट्रेट एंगल ये, तो हाफ रिवोल्यूशन से नीचे ऐसे नीचे की तरफ जाए, जैसे मान लो यू है तो इस तरह से नीचे झुकता जाएगा, तो इट मींस मोर देन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन. आप इनके आंसर सामने भी लिख सकते हैं. तो आई होप दैट इट इज क्लियर टाइप ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऑब्टूज एंगल क्या होता है.
फ्लैक्स एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल, इसमें वन कंप्लीट रिलेशन बाकी है जिसका इधर क्वेश्चन में नहीं है, तो ये मैं बता देता हूँ, कंप्लीट एंगल होता है। तो इट इज क्लियर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर टू, क्लासिफाई ईच वन ऑफ एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स, यानी जो फिगर दिए हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा एक्यूट एंगल, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज और कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है। और एंगल्स के बारे में बता ही चुके हैं, ये एंगल और एंगल को नापने के लिए प्रोट्रैक्टर यूज में लेते हैं। देखो बच्चों इन एंगल्स को मेजर करने के लिए हम प्रोट्रैक्टर काम में लेते हैं, और वो प्रोट्रैक्टर ये है इस तरह का, ये वुड का है, लकड़ी का है, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं वो हम बता रहे हैं। देखो ये जो सेंटर पॉइंट है आप देख रहे हैं, इसके साथ में एक लाइन खींची है, तो सेंटर पॉइंट को दो लाइन से आ रही है। देखो ये सेंटर पॉइंट और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके प्रोटेक्ट में ब्लैक लाइन होती है, ये मैंने रख दिया। अब हम यहां से गिनेंगे क्योंकि इसमें 10, 20, 30 इधर से होता है और इधर से होता है। सेंटर के इधर से देखें 10, 20, 30, अब ये लाइन छोटी है थोड़ा बढ़ा दे, कितने पे ये 55 डिग्री पे, ये देखो। अब 55 डिग्री लेस देन 90 डिग्री है, सो इट इज एक्यूट एंगल, बिकॉज मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री। मेजरमेंट आप इसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं। देखो वो सेंटर पॉइंट को यहां रखा, ये लाइन थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, ये देखो लाइन इधर है इस साइड से, यहां से गिरेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ये कितने का है 130 डिग्री का। तो ये कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री। देखो ये दो एंगल है इसमें, यू रखेंगे तो इधर से भी पढ़ सकते हैं और इधर से, क्योंकि दोनों तरफ लाइन है, तो ये पढ़िए कितने डिग्री का आ रहा है यहां पे 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल। ये जब ये जिस तरफ ये बना होता है वो एंगल बना, तो इसकी मेजरमेंट दो टाइप से मेजरमेंट करेंगे इसका। एक बार तो स्ट्रेट लाइन आपको कर लेंगे तो हमें पता है 180 का हो गया, और 180 से ज्यादा है तो मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, 180 डिग्री से ज्यादा का है ये, तो इसको लिखेंगे हम कौन सा एंगल हो रहा है, रिफ्लेक्स एंगल। मेजरमेंट करें तो 180 डिग्री इधर देखो, और फिर इसको यू रख लें, ये कितने का है इस साइड की लाइन से,
110 लिख दी, तो 180 इधर का आ गया और 110 तो ये 290 है। बट ये एंगल लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये तुम्हें प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूँ, आप देख के बता सकते हैं कौन सा एंगल है। जैसे इसकी मेजरमेंट नहीं लिखी थी, अब यहाँ पे इधर बिल्कुल इस साइड में ये एरो है तो इधर बताना आपसे, देखो बिल्कुल सीधा है यहाँ से यहाँ तक, तो 180 डिग्री, तो कौन सा एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। ऐसे ये दो एंगल है, दोनों एक जैसे हैं, इधर ये थोड़ी बढ़ा सकते हैं मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि वो लाइन आपके प्रोटेक्टर में तो आर पार दिखाई देता है, क्योंकि वो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का है वो, और ये वुड का, इसलिए ये 40 डिग्री। तो बच्चों ये बताओ ये कौन से डिग्री का होगा, ये होगा एक्यूट एंगल। आई होप दैट मेजरमेंट करें के भी बता सकते हैं और देख के, हाफ ऑफ ड्यूरेशन से कम है तो एक्यूट एंगल, मोर देन हाफ ड्यूरेशन से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल। बिल्कुल सीधे लाइन नहीं हूं, 1/4 राइट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल से ज्यादा है, हाफ ड्यूरेशन से ज्यादा है तो रिफ्लेक्स एंगल, ये बिल्कुल स्ट्रेट है स्ट्रेट एंगल, ये एक्यूट एंगल। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो आई होप दैट दिस एक्सरसाइज इज क्लियर कि एंगल्स, फिर भी यू हैव एनी डाउट तो यू कन्वे द मैसेज और माई व्हाट्सएप नंबर, यू कन्वे द मैसेज एट द स्कूल व्हाट्सएप नंबर, वी प्रोवाइड योर सॉल्यूशन। थैंक यू।